आप देख रहे हैं गांव का सुबह का नज़ारा, खेतों का। ओस पड़ी हुई है, ओस की बूंदें बालियों को छूने पे हाथ में। धान की बालियां खेतों में पक के खड़ी हैं। इस समय कटाई का समय है। इस बार बहुत सारे किसानों की फसल बर्बाद हो गई ज़्यादा बारिश की वजह से। नदी के किनारे, तालाब के किनारे वाले खेत जलमग्न हो गए, जिससे फसलें सड़ गईं। ये देखिए पकी हुई धान की बालियां। कोहरा अभी पूरी तरह छटा नहीं है। सूर्य देवता अपनी चमक बिखेर रहे हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये सुंदर अनुभव है। ये देखिए ओस की बूंदें। ये ओस पड़ी हुई है खेतों में। चिड़ियों की चहचहाहट, कलरों घास के ऊपर उसकी बूंदें। सुबह सुबह टहलना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ब्लड प्रेशर, शुगर यानी डायबिटीज की बीमारी में बहुत ही लाभदायक होता है। चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो या एलोपैथिक, होम्योपैथिक, सभी प्राणायाम और योग तथा व्यायाम की अहमियत बताते हैं। चरखी चिड़िया नीम के पेड़ पे बैठी हुई है। चरखी का जोड़ा सामाजिक पक्षी समूहों में मिलते हैं, यहाँ भी दिखाई देते हैं। बहुत एकता मिलती है इनमें। तेज ध्वनि होती है, अनवरत लगातार। देखिए समूह के अन्य सदस्य भी आते हुए डाल पे। वो लोग जिनके पास गांव में घर नहीं है, वो गांव देखने के लिए, गांव की जीवन शैली, गांव के बाग बगीचे, रहन सहन, त्यौहार आदि देखने गांव में आते हैं। लेकिन गांववासी ही गांव की अहमियत नहीं समझते। ये अपने गांव में विकास लाने, हरियाली लाने,
पर्यावरण से जुड़ने की बजाय शहरों की तरफ कूच करते जा रहे हैं, जहाँ ना शुद्ध हवा है, ना शुद्ध पानी है, ना शुद्ध भोजन है, हम सभी को अपने अपने गांव का विकास करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम अपने गांव में रहकर ही रोजगार प्राप्त कर सकें, शहर की भीड़ को कम कर सकें, गांव का विकास कर सकें। अपनी मिट्टी से जुड़ना, उसे महसूस करना, बहुत बड़ी बात होती है। कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के पिछड़े जिलों में से एक अम्बेडकर नगर जिले के भियाओं ब्लॉक का नज़ारा है, जो कि आजमगढ़ जिले की सीमा पर स्थित है। आजमगढ़ और अंबेडकर नगर दोनों जिलों की सीमा पर ये ब्लॉक स्थित है। दूरस्थ विकास क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, यहाँ से कुछ ही दूरी पर, लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक गोविंद साहिब का मेला लगता है और गोविंद साहिब का सुंदर भव्य मंदिर विराजमान है, जहाँ प्रतिवर्ष दिसंबर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लोग दर्शन करने आते हैं। यह मेला महीनों तक लगता है। इसमें देश के कोने कोने से व्यापारी आते हैं व्यापार करने हेतु, और बहुत दूर दूर से लोग देखने भी आते हैं। बहुत ही सुंदर होता है। गांव में लोग इस समय मछली पालन हेतु खेतों को खोद कर तालाब बना रहे हैं। यह प्राकृतिक रूप से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे ज़मीन का जल स्तर ऊँचा होगा और तालाब के पारितंत्र का भी विकास होगा। खेती के अलावा भी आय के कुछ साधन किसानों को, ग्रामीणों को मिलेंगे। लाल या काली गन्ने की खेती यहाँ की जाती है और गोविंद साहिब के मेले में इन गन्नों को बेचा जाता है, जिससे किसानों को अच्छी लागत प्राप्त होती है, इन्हें मुनाफा मिलता है। इसलिए प्रतिवर्ष ये लोग लाल काले गन्ने की खेती अवश्य करते हैं। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक गांव है ये। छोटा सा पिंडोरिया गांव का ही पूरा है जुड़ाईपुर। मौजा जिसे कहते हैं, पूरा या टोला,
इस गांव में मल्लाह, निषाद, केवट लोग ज़्यादा हैं, इसके अलावा यादव भी हैं, क्षत्रिय परिवार भी यहाँ रहते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय खेती है। खेती ही इनकी आजीविका का साधन है। आज के लिए ग्रामीण दर्शन में बस इतना ही। मेरे चैनल से जुड़े रहें और ऐसी ही पर्यावरण से जुड़ी, अपनी मिट्टी से जुड़ी ग्रामीण झलक देखने वाले इस चैनल पे अद्भुत जानकारियाँ पाते रहेंगे। आप सभी का मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसा चैनल, ऐसा दृश्य आपको शायद ही किसी अन्य YouTube चैनल पर या अन्य चैनल पर दिखाया जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।